हेलो एवरीवन, अभी तक हमने पढ़ा है मेन वर्ब और अब आज हम इसमें पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, जिसके दो पार्ट्स हैं, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स। हेल्पिंग वर्ब है जैसे इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड एट्सेट्रा, जिन्हें हम अलग अलग पास्ट अलग अलग जो टेंसेस हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे इज एम आर हैज हैव जो है जिसे हम प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, और वॉज वर और हैड जो है इसे हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट टेंस में, और विल और शैल जो है उसे हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर टेंस में। तो आपके हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो आपके इस्तेमाल होंगे, जो टेंसेस पार्ट हम पढ़ेंगे उसमें हम इन्हें डिटेल में देखेंगे। और आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स जो हैं उसमें काफ़ी टाइप्स हैं, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट और डू। तो ये सभी जो हैं वो आपके मॉडल्स हैं जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब या यूं कह लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब की जगह इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के केस में आपके जब कोई सेंटेंस लिखेंगे तब आप या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे या फिर मॉडल इस्तेमाल करेंगे, इन दोनों में से कुछ इस्तेमाल करेंगे आप मेन वर्ब के साथ में। हालांकि जो प्रेजेंट टेंस है उसमें आप मेन वर्ब के बिना सिर्फ मेन वर्ब ही यूज कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के सिवाय, ठीक है, जो कि हम जब टेंस पढ़ेंगे तभी डिटेल में पढ़ेंगे उन्हें। तो मॉडल्स ये हैं। अब इन मॉडल्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि कौन सा मॉडल कब इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैन और कुड, ठीक है। तो कैन के बारे में देखते हैं, कैन और कुड जो दोनों हैं उसे हम इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटी बताने में, कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ बताने में। और सिमिलर केस है कुड का, जिसे हम कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ और पावर, इन जब भी इन्हें शो करना होता है तो उसके लिए हम कैन और कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कैन का एग्जाम्पल देखिए, आई कैन डू दिस, ये बता रहा है कि तुम वो कर सकते हो, यू आर एबल एबल टू डू दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जो कैन और एबल वर्ड है वो उन दोनों का सेम ही मतलब है। तो आप किसी भी सेंटेंस में कैन और एबल दोनों का इस्तेमाल एक साथ मत करिएगा, क्योंकि उसे जो आपका सेंटेंस है वो सुपरफ्लूअस हो जाएगा और उसे आप एक तरह से एरर भी डिटेक्ट कर सकते हैं उस सेंटेंस में, ठीक है। अगला है कुड का एग्जांपल देखते हैं हम, आई कुड नॉट कम यस्टरडे, ये उसकी एबिलिटी बता रहा है कि वो पिछले कल नहीं आ सका, आई कुड नॉट कम यस्टरडे, ठीक है। यस्टरडे मतलब पिछला दिन, और कम में आ गई आपकी मेन वर्ब और कुड आ गया आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब की जगह पे, और आई आ गया जिसे हम सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। तो सेंटेंस ब्रेक प्रैक्टिस भी होगी आपकी एक तरह से यहाँ से, आई सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन और कम मेन वर्ब और यस्टरडे एडवर्ब, ठीक है। और कैन का इस्तेमाल हम करते हैं फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए, और कुड का इस्तेमाल होता है फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। दोनों में फर्क देखिए, कैन फ्रेंडली रिक्वेस्ट और कुड जो है वो फॉर्मल रिक्वेस्ट। कैन का एग्जाम्पल देखते हैं, कैन आई यूज योर पेन फॉर अ मिनट, आप एक फ्रेंड से पूछ रहे हो कि मैं आपका पेन जो है वो इस्तेमाल कर सकता हूँ कुछ मिनट के लिए, तो आप ऐसे कहेंगे कैन आई यूज योर पेन फॉर अ मिनट, क्योंकि कैन आप इस्तेमाल करेंगे फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए। जबकि आप किसी कोई ब्रांच में, जैसे आप किसी एम्प्लॉय से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो आप फॉर्मल रिक्वेस्ट करेंगे उससे, तो आप इस्तेमाल करेंगे कुड, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं कुड का, कुड आई टॉक टू द ब्रांच मैनेजर, मतलब आप किसी एम्प्लॉय से ही पूछेंगे कि क्या मैं ब्रांच मैनेजर से बात कर सकता हूँ, तो आप कहेंगे कुड आई टॉक टू द ब्रांच मैनेजर। तो यहाँ पे आपने कैन की जगह कुड का इस्तेमाल किया, क्योंकि कुड आप फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से कैन का थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं हम, थर्ड उसका इस्तेमाल करते हैं हम थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए, और कुड का इस्तेमाल करते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। दोनों वर्ड्स में फर्क देखिए, थ्योरेटिकल रिपॉसिबिलिटी मतलब बहुत ही कम चांसेस हो या लगभग प्रैक्टिकल ना हो वो, लेस और नॉट प्रैक्टिकल, ठीक है। जबकि रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है लेकिन पॉसिबल है लेकिन बहुत ही कम चांसेस हैं उसके, मतलब प्रैक्टिकल है एक तरह से, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, कैन का एग्जाम्पल देखते हैं हम, एवरी वन कैन मेक मिस्टेक, मतलब हर कोई गलती कर सकता है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर कोई गलती करेगा ही, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है एक तरह से, क्योंकि कोई एक ना एक तो होगा ही जो सही तरीके से कर देगा, है ना। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कैन, जो कि थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी बताएगा, ठीक है। एवरीवन कैन मेक मिस्टेक,
और वहीं पे कुड का एग्जांपल देखें हम, तो कुड में है देयर कुड बी अ स्नेक इन योर पॉकेट, मतलब इसके बहुत ही कम चांसेस है कोई कि कोई अपनी पॉकेट में स्नेक रखेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम उस पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कुड, तो आएगा देयर कुड बी अ स्नेक इन योर पॉकेट, और इसका सेंटेंस ब्रेक करें पार्ट ऑफ स्पीच में, ठीक है। तो देयर आ गया आपका सब्जेक्ट, कुड आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, बी आ गया आपका यहाँ पर मेन वर्ब, और स्नेक आ गया आपका ऑब्जेक्ट, और इन आ गया आपका प्रेपोजिशन जो कि वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है, इन स्नेक और पॉकेट को, और योर आ गया यहाँ पे आपका एडजेक्टिव, और पॉकेट आ गया आपका प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन मतलब इन का ऑब्जेक्ट आ गया आपका पॉकेट। और कैन का एक और इस्तेमाल करते हैं हम परमिशन के लिए, जैसे यू कैन स्टार्ट योर एग्जाम नाउ, जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे तो आप देखेंगे कि इनविजिलेटर काफी बार बोलता है यू कैन स्टार्ट योर एग्जाम नाउ, मतलब वो आपको एक तरह से परमिशन देता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे हम पढ़ते हैं शेल विल जो है उनके बारे में। शेल और विल का हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं जो फ्यूचर टेंस है उसमें, फ्यूचर टेंस में, और शेल जो है वो हम करते हैं इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन के साथ, और विल का इस्तेमाल करते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। अब फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, मतलब मैं और हम, जब इस तरह से कहते हैं तो मतलब उसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन हम मतलब हम किसी दूसरे के, मैं किसी दूसरे के साथ बात कर रहा हूँ तो मैं उसे कहूँगा यू, यू मतलब सेकंड पर्सन, कोई दूसरा आदमी है मेरे सामने। और थर्ड पर्सन मतलब ही शी इट दे एटसेट्रा, मतलब कोई और ही है, हम आपस में बातें कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, और हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो तीसरा है उसे ही शी इट या दे के साथ ही हम डिनोट करेंगे, तो उसे ही हम कहते हैं थर्ड पर्सन, और ये सब प्रोनाउन की तरह या नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं हम इन्हें, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में आप याद रखिएगा, और ये याद रखिए कि जो शेल है उसे हम इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ, और जो विल है उसे इस्तेमाल करते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। हालांकि जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें काफ़ी सारे सेंटेंस हैं जैसे प्रॉमिस के या थ्रेट के, तो इसमें हम इनका केस उल्टा कर देते हैं जो कि हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि अभी कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसे टेंस के जब पढ़ेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि शेल और विल का इस्तेमाल कब उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, शेल का एग्जाम्पल है जैसे आई शेल बी 20 नेक्स्ट सैटरडे, मतलब मैं अगले सैटरडे 20 का हो जाऊंगा, ठीक है। तो आई फर्स्ट पर्सन आ गया आपका, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम इस्तेमाल करेंगे शेल, और सेकंड विल के साथ हम एग्जाम्पल देखें, जैसे लिखा तो नहीं है लेकिन कुछ भी बना लीजिए, यू विल कम टू माई हाउस टुमारो, ऐसे करके लिख लीजिए, ठीक है। तो यू आएगा सेकंड पर्सन और विल आएगा इसके साथ, ठीक है। यू विल कम टू माई होम या हाउस टुमारो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, आगे है वुड और शुड, इन दोनों के बीच में देखते हैं। सबसे पहले हम कवर करते हैं वुड को, तो वुड में आप वुड का इस्तेमाल आप करते हैं पास्ट हैबिट या रूटीन के लिए। यहाँ पर आपको एक चीज बताता हूँ मैं कि हम पास्ट हैबिट को डिनोट करने के लिए तीन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक है मॉडल वुड, ठीक है, और दूसरा है आपका यूज्ड टू, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने यूज्ड टू और वुड, दो चीजें ये होगी। और तीसरी जो तीसरी चीज हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट हैबिट या रूटीन को बताने के लिए वो है सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो ये तीन हैं जिसे हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट हैबिट को डिनोट करने के लिए या बताने के लिए। तो पास्ट हैबिट का जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, आई वुड स्पेंड माई डे इन प्ले ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वुड इस्तेमाल किया है तो मतलब इन ये बता रहा है कि मैं अपना पूरा दिन प्ले ग्राउंड में खेलते हुए बिताता था, ठीक है। तो ये है इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब, लेकिन आप इंग्लिश में ही पढ़िएगा, और जितना आप इंग्लिश पढ़ेंगे उतना आप इसमें फ्लुएंट होते जाएंगे और उतना ही आपको हेल्प भी मिलेगी, ठीक है। तो रीडिंग भी करिए इंग्लिश में इसके साथ साथ। और अगला जो यूज है वुड का वो हम करते हैं इमेजिनरी सेंटेंस में, विश या इमेजिनरी मतलब प्रोबेबिलिटी तो इमेजिनरी ही होती है क्योंकि वो जब तक हो ना तब तक वो एक प्रोबेबिलिटी ही है कुछ होने की। वो सेंटेंस देखें तो एग्जाम्पल के तौर पर,
इफ आई वर एन आईएएस ऑफिसर आई वुड डैश। आप खुद भर सकते हैं कि मतलब एक आप प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं या एक इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मैं आईएएस ऑफिसर तो मैं ये कर देता, तो वो एक प्रोबेबिलिटी है या विश है आपकी, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, वुड, मतलब इफ आई वर एन आईएएस ऑफिसर आई वुड डैश, मतलब फिल इन द ब्लैंक आप खुद करिए। और अगला एग्जांपल, अगला जो इस्तेमाल है वुड का, वो हम करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये याद रखिएगा। तो एग्जांपल देखें, वुड यू चेक माय रिजल्ट, ठीक है, मतलब आप किसी को बोल रहे हैं कि क्या आप मेरा रिजल्ट चेक कर सकते हैं, ये एक पोलाइट वे में, तो आप वुड इस्तेमाल करिए, ठीक है। और अगर आपका कोई, मतलब आप किसी से फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप वुड की जगह कुड का इस्तेमाल करिए, जैसे यहाँ पे फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है, और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए ये। तो अभी आपने तीन तरह की रिक्वेस्ट करने के बारे में पढ़ा। पहला था आपका फ्रेंडली रिक्वेस्ट, फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए क्या था, कैन, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए था कुड, और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए है वुड। हालांकि आप आगे पीछे कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन आप रूल याद रख सकें तो अच्छा है। और वुड जो है वो हम विल की जगह भी इस्तेमाल करते हैं, जब हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस या नरेशन इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं, तो विल की जगह हम वुड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अब शैल के बारे में पढ़ते हैं हम। शैल को, शैल नहीं पर शुड, शुड का इस्तेमाल हम करते हैं सजेशन के लिए। जैसे एग्जांपल देखिए, यू शुड स्टडी इंग्लिश टू इम्प्रूव योर मार्क, इम्प्रूव योर मार्क या रैंक कह लीजिए कुछ भी। और तो आप एक तरह से, अगर आपको कोई फ्रेंड आपसे पूछ रहा है कि यार मेरा रैंक इम्प्रूव नहीं हो रहा, मेरे मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे, तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे कि तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए फिर, मतलब आप एक सजेशन दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं उसे। तो उसी तरह से ये इंग्लिश में वैसे ही लिखा हुआ है, यू शुड स्टडी इंग्लिश टू इम्प्रूव योर रैंक, ठीक है। और सेकंड इस्तेमाल हम करते हैं शुड का लेस्ट के बाद, लेस्ट के आफ्टर द लेस्ट, नॉट बिफोर, ये याद रखिएगा। ये नेगेटिव सेंस शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसका। और शुड को जैसे हम विल का इस्तेमाल करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं विल की जगह, जब हम नरेशन में कन्वर्ट करते हैं सिंपल पास्ट टेंस को, सिंपल प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में, तो उसी तरह से शैल का हम शुड बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में बदलने के लिए। ये आप अगर अभी आपको समझ में नहीं भी आ रहा है कि शैल का शुड कब करेंगे, तो जब हम नरेशन और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस वगैरह पढ़ेंगे, तो अब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे कैन में और माइट में अंतर क्या है, क्योंकि आप जितना डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे, उतना ही आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो कैन का इस्तेमाल और मे का और माइट का हम पॉसिबिलिटी शो करने के लिए करते हैं, लेकिन किस में कितनी पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करनी है, मतलब किस में कितनी, कौन कितना पॉसिबल है, उसके लिए हम अलग अलग इन तीनों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर कोई नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करनी हो, तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, कैन नॉट की तरह, ठीक है। जैसे इट कैन नॉट बी ट्रू, मतलब एक नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे नेगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है, उसमें ज़्यादातर नॉट का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है इट कैन नॉट बी ट्रू, मतलब ये सच नहीं हो सकता। तो नेगेटिव मतलब ना, उसमें ना नहीं कह रहा है वो, ठीक है। नॉट को हिंदी में ऐसे लिख लीजिए कि नहीं, ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं आप, अगर आपको ज़्यादा ही आसान करना है तो। और मे का इस्तेमाल भी हम पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए ही करेंगे, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस यूँ कह लीजिए। तो जैसे इट मे रेन टुमोरो, तो ये नेगेटिव सेंटेंस तो है नहीं, जिसमें नोट नहीं आ रहा है ना कहीं भी। तो इट मे रेन टुमोरो मतलब कल बारिश हो सकती है, ठीक है। तो हमने मे इस्तेमाल किया है इसमें पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। और माइट का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है, जैसे इट माइट रेन टुमोरो। अब ये दोनों सेंटेंस जो हैं यहाँ पे देखने को आपको एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है मे और माइट का, ठीक है। जब आप कह रहे हैं इट मे रेन टुमोरो, मतलब उसके चांसेस हैं काफ़ी
अच्छे चांसेस आपको लग रहे हैं कि कल बारिश पक्का हो जाएगी, ठीक है। और जब आप कह रहे हैं इट माइट रेन टुमोरो, मतलब आपको लग रहा है कि बारिश होने के बहुत ही कम चांसेस हैं, तो आप कहेंगे इट माइट रेन टुमोरो, ठीक है। मे और माइट में ये फर्क है। और जो कैन है वो हमने अभी पढ़ा कि फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, जबकि जो मे है उसे हम फॉर्मल परमिशन या रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने मे का एग्जांपल देख रहा हूँ मैं, तो मे का एग्जांपल देखिए, जैसे मे आई कम इन सर, मतलब आप जब भी अपने टीचर से परमिशन लेते थे, फॉर्मल परमिशन, और आप एक तरह से रिक्वेस्ट करते थे सर को रिस्पेक्ट देकर, ठीक है, तो आप कहते थे कि मे आई कम इन सर, मतलब आप रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं अपने टीचर के प्रति, ठीक है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में भी जाते हैं तो आप भी तब भी आपको रिस्पेक्ट दे के ही परमिशन लेनी होगी, जैसे मे आई कम इन सर ही कहना होगा। तो ऐसे नहीं कह सकते कि कैन आई कम इन सर, वो एक थोड़ा इनफॉर्मल और फ्रेंडली रिक्वेस्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है मैंने, कैन आई बोरो योर अम्ब्रेला, मतलब आप किसी ऑफिशियल से तो नहीं कह सकते ना कि क्या मैं आपका अम्ब्रेला ले लूँ, ठीक है। एक आप अपने फ्रेंड या किसी से रिक्वेस्ट करेंगे तो आप कैन इस्तेमाल करेंगे इनफॉर्मल फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। इनफॉर्मल का मतलब ही जैसे रेफ्रिजी के फ्रेंडली एक तरह से, ठीक है। और मे का इस्तेमाल एक और चीज़ में हम करते हैं, विश को एक्सप्रेस करने में। मे यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग, मतलब आपकी विश है, जैसे आप किसी को किसी के लिए दुआ करते हैं एक तरह से, वही यहाँ पे बताया हुआ है कि मे यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग, मतलब मेरी इच्छा है कि तुम लंबा और खुश जियो, ठीक है। इस तरह से ट्रांसलेट कर लीजिए इसे। और यहाँ पे बाकी बस यही है मे के इस्तेमाल के बारे में। और आगे बढ़ते हैं हम, आगे है आपके मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। मतलब ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में तो हमने पढ़ा कि मॉडल्स और हेल्पिंग वर्ब, लेकिन मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं उन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ उन्हें किसी और फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे तीन हैं यहाँ पर, नीड टू, यूज्ड टू और डेयर, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं यूज्ड टू के बारे में, और बाकियों का भी इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं हम। यूज्ड टू जो है उसे हम एक तो जैसे हमने पढ़ा कि पास्ट हैबिट शो करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ हम पास्ट हैबिट के लिए जैसे हमने पढ़ा वुड और सिंपल पास्ट टेंस, इनका भी इस्तेमाल करते हैं। और साथ में इसका हम इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव के तौर पर, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे तीन तरह के सेंटेंस होते हैं आपके, अफर्मेटिव मतलब एक तरह से पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें नहीं वगैरह ऐसा कुछ ना कहा गया हो, ठीक है। और दूसरे होते हैं नेगेटिव सेंटेंस जिसमें आमतौर पर नॉट इस्तेमाल करते हैं हम, नहीं के हिंदी शब्द है उसे इस्तेमाल करते हैं एक तरह से। और तीसरा सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव आप इंटेरोगेशन से इस तरह याद रखिएगा, इंटेरोगेशन मतलब सवाल जवाब करना, तो उसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब कुछ सवाल किया गया हो पहचान रखने के लिए, क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में, ठीक है। तो अब एग्जांपल देखते हैं यूज्ड टू का। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में है, आई यूज्ड टू रीड ड्यूरिंग माई ट्रेवल, मतलब मुझे आदत थी अपने ट्रेवल के टाइम पे ट्रेवल करते हुए पढ़ाई पढ़ने की, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे आई यूज्ड टू रीड ड्यूरिंग माई ट्रेवल, ठीक है, हमने इस्तेमाल किया यूज्ड टू पास्ट हैबिट शो करने के लिए। फिर नेगेटिव सेंटेंस में आप देखिए, ही यूज्ड नॉट टू, नॉट जो है वो यूज्ड और टू के बीच में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस एरर के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपके लिए यूजफुल हो सकता है कि नॉट जो है वो यूज्ड और टू के बीच में आएगा। तो पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं एक बार, ही यूज्ड नॉट टू ईट चॉकलेट, ठीक है, मतलब वो उसकी आदत बता रहा है कि वो चॉकलेट नहीं खाता था पहले, ठीक है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं, यूज्ड ही टू ईट चॉकलेट, मतलब अब यहाँ पे आपका सिर्फ यूज्ड जो है, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं हम तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है आपके ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसमें वो मेन सब्जेक्ट जो है, जैसे यहाँ पर मेन सब्जेक्ट ही है, तो वो जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं। तो यहाँ पे यूज्ड जो है वो आपका ही से पहले आ गया है, लेकिन टू जो है वो सब्जेक्ट के बाद ही रहा, ठीक है, ये याद रखिएगा।
सिर्फ यूज्ड जो है वो सब्जेक्ट से आगे आ जाएगा, टू जो है वो बाद में ही रहेगा, ठीक है। और अगर नोट आना होता तो नोट भी यहाँ पे आपका ही के बाद आता, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, यूज्ड ही टू ईट चॉकलेट। तो ये आपका पूरा सेंटेंस बना यूज्ड पहले, टू मेन सब्जेक्ट के बाद में। और यूज्ड टू को हम एडजेक्टिव के तौर पर कैसे इस्तेमाल करते हैं, अब उसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आई जो है वो आपका आ गया सब्जेक्ट, ये रहा, और एम जिसे कहते हैं और प्रोनाउंस करते हैं एक तरह से, उसे कहेंगे हम मेन वर्ब। किस तरह इस्तेमाल हुआ है मेन वर्ब के बारे में, जब भी आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए, बी वर्ब, हम जो बी वर्ब जब हम कहते हैं तो बी, तो इसमें आते हैं आपके इज एम आर और वॉज वर्ब और बी बी, यही वाला बी, ठीक है। तो ये जब भी आपके मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होते हैं तो उसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब, ठीक है। और जब इसे इस्तेमाल करेंगे मेन वर्ब की तरह तो यहाँ पे जो यूज्ड टू है ये आ गया आपका एडजेक्टिव, और गेटिंग ये आ गया आपका जीरंड। जीरंड के बारे में हम इधर पढ़ते हैं, जो वी वन प्लस आई एन जी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, जैसे रन प्लस आई एन जी जोड़ेंगे तो रनिंग बन जाएगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने आई एन जी के साथ जोड़ दिया, रन प्लस आई एन जी तो बन गया आपका रनिंग, ठीक है। इसके हम तीन तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। पहला है आपका मेन वर्ब जो कि हम सेंटेंस बनाते हुए इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रेजेंट जो भी कॉन्टिन्यूस टेंस आते हैं आपके, उसमें हम मेन वर्ब की तरह ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दें, ही इज रनिंग अ रिलीफ ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे आपका ये आ गया सब्जेक्ट, ये आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब इज, और रनिंग आ गया आपका मेन वर्ब, ठीक है। तो हमने इस्तेमाल किया मेन वर्ब की तरह वी वन प्लस आई एन जी को, ठीक है। और हम इसे इस्तेमाल करते हैं नाउन की तरह भी। तो जब हम मेन वर्ब को वी वन प्लस आई एन जी को इस्तेमाल करते हैं नाउन की तरह तो उसे हम इसे जीरंड कहते हैं, ठीक है। तो वही, और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल जैसे रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पे रनिंग आ गया आपका नाउन या सब्जेक्ट कर लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट का जो काम है वो नाउन प्रोनाउन ही करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका इस्तेमाल हुआ यहाँ पे नाउन की तरह वी वन प्लस आई एन जी, और इज आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और आ गया आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे रनिंग इस्तेमाल हुआ नाउन की तरह तो इसे हम कहेंगे जीरंड, ठीक है। तो जो हमने पहले पढ़ा, अभी वापस जाएंगे इसी स्लाइड में। तो और इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव की तरह भी, ही वॉज हिट बाय आ रनिंग मोटरसाइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे ही आ गया जैसे आपका सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और वॉज आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो आपका एक तरह से टेंस बताएगा कि किस टाइम की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे वॉज वर्ब जो है वो हम पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे पास्ट टेंस की बात कर रही है, मतलब ये बात हो चुकी है पहले ही। तो ही वॉज हिट, हिट आ गया मेन वर्ब आपका, मतलब उस पर काम क्या हुआ, हिट हुआ वो, ठीक है। तो ही वॉज हिट बाय रनिंग मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल कैसी थी, मोटरसाइकिल आ गई आपकी नाउन, और रनिंग आ गया आपका एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो वर्ड्स नाउन की प्रॉपर्टी बताएं, ठीक है, ये नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करें, ठीक है। तो मोटरसाइकिल थी रनिंग, तो रनिंग आके आ गया आपका एडजेक्टिव। तो हमने पढ़ लिया वी वन प्लस आई एन जी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी जोड़ दें तो उसे हम मेन वर्ब नाउन और एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं, और जब उसे नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं तब हम उसे कहते हैं जीरंड, ठीक है। तो हमने यू यहाँ पे जो गेटिंग है उसे इस्तेमाल किया है जीरंड की तरह ही, और यूज्ड टू जो है वो आपका इस्तेमाल हुआ है एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, आई हमने इस्तेमाल किया सब्जेक्ट की तरह, एम यहाँ पे इस्तेमाल किया हमने लिंकिंग वर्ब की तरह, यूज्ड टू जो है वो आपका आ गया एडजेक्टिव, और गेटिंग अप लेट नाइट इन द मॉर्निंग,
ठीक है, आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे आपके जो दो वर्ब मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब रह गए थे, डेयर और नीड, तो उसे हम इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरह। जैसे ही डेयर टू गो देयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ही सब्जेक्ट आ गया, डेयर आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह, टू गो मतलब इन्फिनिटिव है यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है ये, टू गो देयर। ठीक है, और आगे नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं हम। ठीक है, तो ही डेयर नॉट गो देयर। तो जब भी हम डेयर और नीड को नेगेटिव सेंटेंस के साथ इस्तेमाल करेंगे तो हम उसे मतलब बेयर इन्फिनिटिव यूज करेंगे। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब है कि इन्फिनिटिव होता है आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बेयर इन्फिनिटिव मतलब यहाँ पे टू नहीं आएगा, तो हम उसे कहेंगे बेयर इन्फिनिटिव, मतलब सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो जैसे इस सेंटेंस में आप देखिए, ही डेयर नॉट गो देयर, मतलब टू नहीं आया यहाँ पे। आपने ऐसे नहीं लिखा कि ही डेयर नॉट टू गो देयर, यहाँ पे टू नहीं आएगा। ठीक है, जो कि हमने इस्तेमाल भी नहीं किया है यहाँ पे, तो ये आपका सेंटेंस ठीक होगा। इससे भी क्वेश्चन बनने के काफी चांसेस रहते हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप देख लीजिए, जैसे हाउ डेयर यू, मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आता है हाउ एंड ऐसे करके, तो इन वर्ड्स के बाद हम सीधे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और बाकी इन्फिनेटिव जो होते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसमें हम उसे हम इस्तेमाल करते हैं नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह। इन्फिनिटिव को इनकी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या इनकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स हैं। जैसे एग्जांपल लें, टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहाँ पे टू स्विम जो है वो हमने नाउन की तरह इस्तेमाल किया है, इन्फिनिटिव यूज एज अ नाउन। ठीक है, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्विम, स्विमिंग। ठीक है, ऐसे स्विमिंग बना सकते हैं ना, और टू से मतलब इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव को हमने इस्तेमाल किया नाउन की तरह, नाउन की तरह इस्तेमाल किया हमने। इज अ गुड एक्सरसाइज, तो टू स्विम आ गया आपका सब्जेक्ट, ये आ गया आपका क्या आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, यहाँ पे आपका ये आएगा मेन वर्ब की तरह। और मेन वर्ब क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम करेगा। लिंकिंग वर्ब के लिए आइडेंटिफिकेशन मतलब आप कैसे पता करेंगे कि बी वर्ब जो है इज एम आर वॉज वर्ब, वो लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आप उस सेंटेंस को चेक करिए, जैसे यहाँ पे है टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, तो इसमें आप चेक करिए कि कोई मेन वर्ब है या नहीं इसके बाद, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी मेन वर्ब नहीं है यहाँ पे। टू स्विम आपका सब्जेक्ट आ गया, इज एक तरह से अभी तक वर्ब रखते हैं हम सिंपली। फिर आपका आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है, और आर्टिकल कभी भी मेन वर्ब के साथ में नहीं आता, आर्टिकल हम इस्तेमाल करते हैं नाउन के आगे। ठीक है, मतलब ये आपका आ गया एक तरह से नाउन, और गुड एक्सरसाइज कैसी है, गुड, तो गुड आपका इस तरह से एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ नाउन में ऐड कर इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए, क्योंकि तो वो बता रहा है कि एक्सरसाइज कैसी है, इज गुड एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये आ गया आपका एडजेक्ट, गुड आ गया आपका एडजेक्टिव, और एक्सरसाइज आ गया आपका नाउन जो हमने ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया है, तो आपका कोई भी मेन वर्ब नहीं रहा, तो मेन वर्ब जो है वो आपका इज ही बन जाएगा यहाँ पे, और इसे हम कहेंगे लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी आपका सेंटेंस लिखा होगा उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और जैसे अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आई हिट अ सिक्स टू विन द गेम। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए आई हिट अ सिक्स, यहाँ तक भी आपका काम बन सकता था, लेकिन आपने कहा क्यों, मतलब आई हिट अ सिक्स टू विन द गेम, तो टू विन जो है वो यहाँ पे आपका एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया हमने, जो गेम के लिए बता रहा है आपका कि गेम को जीतने के लिए, टू विन द गेम। ठीक है, तो इन्फिनिटिव आपका यहाँ पे एक तरह से एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल हुआ है। इससे आगे है, जैसे कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें हम मॉडल्स जो हैं, जैसे
आपका मॉडल है कुड, वुड और माइट। तो इसके आगे जब हम हैव लगा देते हैं, जैसे कुड हैव, वुड हैव और माइट हैव, तो इसमें एक हिडन मीनिंग होता है, मतलब जो नहीं कंप्लीट नहीं हुआ होता है, ठीक है। जैसे मतलब पॉसिबल था लेकिन हुआ नहीं है, वॉज पॉसिबल बट नॉट हैपन। एग्जाम्पल के तौर पर देख लें तो यू कुड हैव डाइड इन दैट एक्सीडेंट। तो ये आपने अगर बात कही किसी को, यू कुड हैव, ठीक है, अपने कुड के आगे हैव लगा दिया, यू कुड हैव डाइड इन दैट एक्सीडेंट, मतलब तुम उस एक्सीडेंट में मर सकते थे लेकिन मरे नहीं। ये एक सच्चाई है, हिडन मीनिंग है, ठीक है। तो जब भी आप कुड हैव, वुड हैव या माइट हैव लगाएं, तो आप ये जान लीजिए कि वो बात नहीं हुई है लेकिन वो पॉसिबल था, ठीक है। जैसे अभी एग्जाम्पल से समझा मैं, यू कुड हैव डाइड इन दैट एक्सीडेंट, मतलब यू डिड नॉट डाई इन दैट एक्सीडेंट, हिडन मीनिंग ये है उसका, ठीक है। और एक और बात बताता हूँ मैं आपको, कि जब पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है, मुझे पता इसलिए चला क्योंकि यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड इस्तेमाल की है, जो कि सिंपल पास्ट टेंस में इस्तेमाल होती है, तो इसीलिए मुझे पता चला कि ये सिंपल पास्ट टेंस में है। और जब भी सिंपल पास्ट टेंस में आप डिड इस्तेमाल करते हैं, और तो जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं हम, और जब भी आप डिड वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट रहा टेंस के चैप्टर का। और आगे दो जो बच गए हैं हमारे, वो है मस्ट और ओट टू। ये दोनों ही शब्द हम नेसेसिटी शो करने के लिए करते हैं, जैसे यू मस्ट डू दिस, तो हम कह रहे हैं कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, मतलब एक नेसेसिटी है उसे करने की, ठीक है। और जबकि ओट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका, यू मस्ट स्कोर गुड मार्क्स टू गेट जॉब, मतलब एक नेसेसिटी ही तो है एक तरह से, अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा तो आपको जॉब भी नहीं मिलेगी, ठीक है। यू मस्ट स्कोर गुड मार्क्स टू गेट अ जॉब। और उसी तरह से हम ओ टू का इस्तेमाल करते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन या डिजायरेबिलिटी शो करने के लिए, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आर पेरेंट्स, मतलब ये नेसेसिटी तो नहीं है लेकिन मॉरल ऑब्लिगेशन है, मतलब सांस्कारिक समझ लीजिए, ठीक है, मॉरल ऑब्लिगेशन। तो हम कहेंगे वी ओट टू रिस्पेक्ट आर पेरेंट्स, मतलब आपसे एक तरह से एक्सपेक्ट किया जाता है, डिजायर है किसी की कि आप ऐसा करें, ठीक है। और बस यहाँ पे आपके मॉडल्स जो हैं वो खत्म होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब चैप्टर भी आपका यहीं पे कंप्लीट होता है, बाकी जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।